नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के किसान करैया मंडी से ट्रैक्टर से रैली निकालते हुए काले चौराहे तक आए, वापस कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम MSP सहित विभिन्न मुद्दों का ज्ञापन सौंपकर तत्काल किसानों के हित में उचित निर्णय लेने की बात। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रीवा के किसानों ने अपने ही अंदाज में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस मौके पर उन्होंने रीवा की करैया मंडी से एक रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से घूमती हुई कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के बाद समाप्त हुई। हमारी टीम ने किसानों से बात की। जावेद भाई, मैं आपको एक बैनर दिखाना चाहूंगा। संयुक्त किसान मोर्चे का ये बैनर है। ये किसान आज 26 जनवरी को यहाँ पर ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, वजह MSP को लेकर। एक आंदोलन आपका ठप हो गया था, दूसरा भी क्या ठप है? नहीं, आंदोलन हम लोगों ने स्थगित किया था और सरकार ने बिलवासी किया था। सरकार ने 6 मुद्दों को लेकर के 9 दिसंबर को पत्र जारी किया था, केंद्रीय जो सेक्रेटरी है संजय अग्रवाल ने, और उस पत्र के मुताबिक आज की बात करिए, आज क्या है? आज हमारा MSP की गारंटी का मुद्दा है और लखीमपुर खीरी के जो मुख्य आरोपी है अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी, शहीदों को सम्मान, किसानों को पेंशन, किसानों की ऋण माफी और तमाम जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सुअर पशुपालकों का मुद्दा है, रेलवे का मुद्दा है, हवाई पट्टी का मुद्दा है, ये तमाम हमारा पशुओं का मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ट्रैक्टर मार्च किया है। ये हमारा राष्ट्रीय कॉल है, राष्ट्रीय कॉल है। हमने ट्रैक्टर मार्च किया है, हम लगातार इस मार्च पर नजर बनाए हुए हैं। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन की बात करते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती। देखिए, देश हमेशा आंदोलनकारियों का रहा, महात्मा गांधी का देश है। 150 साल लग गए थे अंग्रेजों से लड़ने में, तो ये अंग्रेजों के बारिशों से लड़ने में समय लगेगा। किसान है जब धरती का सीमा चीर कर फसल उत्पादन कर सकता है, तो इस हिटलर और तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक कर हम लड़ाई जीतेंगे। MSP की कानूनी गारंटी लेकर रहेंगे। जब हम धरती का सीमा चीर कर अन्न उगा सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम कोई भी बड़ा काम यहाँ पर कर सकते हैं। हम लगातार इस लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलते रहिए, आप लोग भी देखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर यह आंदोलन काफी तेजी से दिखाई दे रहा है। किसान जिस तरीके से यहाँ पर सड़कों में है, क्या कहेंगे? आगे बहुत लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। किसान सबसे बड़ा वोटर है, सरकार बदल देंगे। हवाई अड्डे के नाम पर लूट, रेलवे के नाम पर रोड, MSP के नाम पर रोड, रीवा में 8 विधायक, 1 सांसद, इन सबको गांव में नहीं घुसने देंगे। सरकार बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? ये देशभक्तों का मार्च है, ये देशभक्ति के लिए निकाला जा रहा है जो देश के खिलाफ है। आज इस बात का हम संदेश देना चाहते हैं, जो लोग देश को बेचने के लिए हैं, बहुमत किसानों के जो लोग खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ये मार्च है। और हमेशा से जो लोग देश के साथ रहे हैं, उनकी जीत हुई है। देश के साथ रहे हैं, उनकी जीत हुई है। जिस तरीके से मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, एक लंबा ट्रैक्टर मार्च यहाँ पर दिखाई दे रहा है लगातार। आज 26 जनवरी है, किसानों ने आज इस ट्रैक्टर रैली को निकालने का निश्चय किया था, उसी के चलते ये लोग रैली निकाल रहे। राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट पहुँच कर ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी नजर इन पर लगातार बनी रहेगी, जो भी ताजे अपडेट होंगे आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ट्रैक्टर रैली आप देख रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी ट्रैक्टर चलाती नजर आती है। ये बताइए, आप पहले तो अपना नाम बताइए, ट्रैक्टर क्यों चला रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, पेशे से दंत चिकित्सक हूँ, रियलिटी शो कंटेस्टेंट भी रही हूँ, रीवा में रहती हूँ। डेंटिस्ट होने के बावजूद ऐसे कोई नॉर्मल नागरिक हूँ इस देश की, और किसानों के साथ हमेशा खड़े रही हूँ, किसान आंदोलन में भी साथ में रही हूँ, तो जहाँ भी किसानों की बात होती है मैं हमेशा उनका साथ देती हूँ, तो इसीलिए ट्रैक्टर चला रही हूँ और उनके साथ ट्रैक्टर चला रही हूँ, किसानों के साथ हूँ, इसलिए
ये हम आज सांकेतिक रूप से यहाँ राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे, जो किसान आए उसके साथ हम मौजूद हैं। किसान मार्च, इस तरीके से मार्च ही सड़क में किसान करता नजर आ रहा है। कब तक चलते रहे, चलते रहे? किसान तो सदियों से सड़क पर है, आजादी के लड़ाई से लेके अभी संयुक्त किसान मोर्चा में किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, सरकार को झुकना पड़ा, पर ये सरकार वादा खिलाफी करती है। सरकार वादा खिलाफी करती है, सरकार किसानों के हित में है ही नहीं, सरकार किसान विरोधी है। आज विदेशों में देखा जाए तो सरकार किसानों को एक अलग पैकेज देती है। हमारी सरकार के पास अरबों रुपए माफ करने के लिए है व्यापारियों का, बड़े बड़े व्यापारियों का, लेकिन किसानों का, किसानों के पास कुछ नहीं है, किसानों के पास। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।